हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं मॉडेक्स टेक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने भाई स्काउट के पीसी सेटअप के बारे में। तो भाई स्काउट जो है उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली है जिसके अंदर उन्होंने अपना पूरा पीसी सेटअप दिखाया है कि वो क्या क्या चीज़ें जो है वो पर्सनली यूज करते हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने जो है नया पीसी मंगवाया है और उसके क्या क्या स्पेक्स है और उसको लेकर के मेरे क्या ओपिनियन है, साथ में उनकी पेरिफेरल्स के बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और उन सबको लेकर के भाई मेरा क्या रिएक्शन है और साथ में भाई मेरे क्या ओपिनियंस है उनके सेटअप को लेकर के। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है भाई ऐसी गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में, क्योंकि भाई वीडियो इसीलिए तो बना रहा हूँ क्योंकि पीसी रिलेटेड कंटेंट है हमारे चैनल के ऊपर, तो भाई अगर इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो भाई जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग इनके सेटअप के बारे में। देखो भाई वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले ये होता है कि वो अपने पीसी को रिसीव करते हैं, देन वो उसको सेटअप करते हैं, तो वो सब दिखाते हैं उसके अंदर एंड देन वो जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने पीसी से कि क्या क्या कंपोनेंट जो है उन्होंने जो अपने पीसी के अंदर यूज़ करे हैं। साथ में भाई वो फिर अपने जो है पेरिफेरल्स के बारे में बात करते हैं, और जैसे कि कुछ दूसरे स्ट्रीमर्स से सबका जो पीसी है ज़्यादातर जैसे कि डायनेमो हो गया और मॉर्टल हो गया, इन सब के पीसी को भी जैसे कि हैवॉक नेशन ने बनाया था, ऐसे इनके पीसी को भी जो है स्काउट के पीसी को भी हैवॉक नेशन ने ही बनाया है। और ये जो वीडियो है वो देखो मैं वीडियो के अंदर जो हवा चल रही होती है ना मैं उस हवा से ही बता देता हूँ कि वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है या फिर नहीं। तो वो वीडियो भाई स्पॉन्सर्ड है इंटेल से और साथ ही साथ भाई ऑरस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर करता है वीडियो को तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर कल को उनको जो एएमडी स्पॉन्सर करेगा तो वो एएमडी के साथ चलेंगे, और उसके जगह कोई एमएसआई अगर करेगा तो वो एमएसआई के साथ चलेंगे। तो बस ये है कि स्पॉन्सर्ड है तो इस वजह से जो आपको उसके अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे ना वो सभी जो है ऑरस के होंगे एंड जो उसके अंदर प्रोसेसर यूज करा जाएगा वो इंटेल का होगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग इनकी पीसी स्पेक्स के बारे में और फिर बात करते हैं हम लोग जो इनके पेरिफेरल्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है पीसी स्पेक्स के अंदर इनके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहां पर भाई प्रोसेसर यूज करा है भाई इंटेल का फ्लैगशिप सीपीयू। जाहिर सी बात है इंटेल जो अपना फ्लैगशिप सीपीयू यहां पर लगवाएगा, तो इन्होंने यहां पर लगवाया भाई इंटेल की तरफ से कोर i9-10900K, जो कि अफसोस वाली बात यह है कि मैं अब ये नहीं कह सकता है कि ये फास्टेस्ट गेमिंग सीपीयू है AMD की Ryzen 5000 सीरीज आने के बाद भी, बट स्टिल बहुत ही एपिक प्रोसेसर है भाई, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देता है। 10 कोर और 20 थ्रेड मिल जाते हैं, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना हो भाई एकदम मक्खन तरीके से करा देता है। तो स्टिल 10900 के आज भी बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है, भले AMD की Ryzen 5000 सीरीज आ गई है बट स्टिल फिर भी 10900 के बहुत कमाल परफॉर्मेंस देता है। अब इस i9-10900K को भाई कूल रखने के लिए यहां पर जो लिक्विड कूलर यूज करा गया है वो आता है भाई अगेन ऑरस की तरफ से, उनका 360mm का लिक्विड कूलर जो कि एक LCD डिस्प्ले के साथ में भी आता है। और इसके अंदर अगर आप कुछ कस्टमाइज वगैरह करना चाहते हो, कुछ लोगो वगैरह लगाना चाहते हो, तो आप वो सब चीजें जो इसके अंदर लगा सकते हो। और 360mm का लिक्विड कूलर है तो भाई सफिशियंट रहने वाला है हमारे इस प्रोसेसर को कूल रखने के लिए। मदरबोर्ड जो इन्होंने यहां पर यूज करा है वो करा है भाई गीगाबाइट की तरफ से, उनका Z490 ऑरस मास्टर मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड और जो प्रोसेसर का कॉम्बो है ना 10900K और Z490 ऑरस मास्टर, ये खुद पर्सनली मैंने यूज कर रखा है और मैं खुद पर्सनली जो है इस कॉम्बो को एक्सपीरियंस कर चुका हूं एंड सच बता रहा हूं भाई बहुत ही कमाल का कॉम्बो है ये जो Z490 ऑरस मास्टर एंड जो 10900K का जो कॉम्बो है बहुत ही कमाल का है। जो ये मदरबोर्ड है ना Z490 ऑरस मास्टर, ये काफी अच्छा मदरबोर्ड है भाई Z490 लाइनअप के अंदर एंड काफी जो है इसके कमाल के VRM सेक्शन है, ठीक है। तो मदरबोर्ड भी काफी बढ़िया एंड साथ में जो प्रोसेसर इन्होंने चूज करा है वो तो खैर बढ़िया था ही, इंटेल की तरफ से उन्होंने तो अपना मेन स्ट्रीम का फ्लैगशिप ही लिया था तो बढ़िया यार। रैम के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं तो भाई रैम इन्होंने यहां पर यूज करी है भाई ऑरस की तरफ से, उनकी कोई सी RGB रैम आती है 3200 MHz की इन्होंने जो है यहां पर यूज करी है और टोटल 32GB रैम इन्होंने जो है यहां पर यूज करी है और 16 16GB की जो है दो मॉड्यूल्स नहीं है, तो टोटल हो गई भाई हमारी 32GB की रैम यहां पर, जो कि काफी बढ़िया चॉइस है। ना तो बहुत ज्यादा रैम है ना ही काफी कम रैम है, जैसे कि 16GB थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि अब जब इतना 20 लेवल का पीसी बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम लगता है 16GB रैम, और ना ही उन्होंने जो कोई बहुत ज्यादा कर दिया समझ रहे हो ना 128GB, तो उतना भी नहीं कर रहा है, 32GB रैम एकदम परफेक्ट रहेगा इनके पीसी के हिसाब से। अब सबसे ज्यादा मेन चीज के बारे में बात करते हैं जो कि हमें गेमिंग करा के देता है, यानी कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड इन्होंने यहां पर यूज करा है भाई
गीगाबाइट की तरफ से उनका RTX 3080 गेमिंग OC। अब देखो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, बहुत ही कमाल का ग्राफिक्स कार्ड है, और इसके अंदर अगर आप जो है 4K गेमिंग करना चाहते हो तो आप बेहतरीन लेवल के इसके अंदर भाई 4K गेमिंग कर सकते हो। एंड साथ में क्योंकि जो हमारे स्काउट भाई साहब हैं वो स्ट्रीमर हैं, तो स्ट्रीमर के हिसाब से भाई जो NVIDIA के कार्ड्स है वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए। तो जी हाँ, RTX 3080 उनके हिसाब से जो काफ़ी बढ़िया रहेगा, 4K की गेमिंग जो है उनको आराम से करा के देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड साथ में जैसे कि वो गेम्स खेलते हैं, लाइक वो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन बहुत खेलते हैं, तो उसके अंदर तो भाई जो परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है इस ग्राफिक्स कार्ड से, बहुत ही जो है बेहतरीन लेवल की निकल के आने वाली है। स्टोरेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे स्काउट भाई साहब है, जब वो गेम्स खेलेंगे तो उनको अपने गेम्स को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इन्होंने यूज करी है भाई टोटल 500 GB की NVMe एंड एक 1 TB की SATA SSD। हार्ड ड्राइव का यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करा गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाई SSDs का यूज करा गया है। अब क्योंकि जो हमारे स्काउट भाई साहब है उन्होंने जो है बोला है कि ये बीस्ट PC है, तो जी हाँ, बीस्ट के अंदर हम कुछ भी स्लो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भाई SSDs का यूज करा गया है। साथ में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इनकी कैबिनेट के बारे में बात करूं तो यहां पर इन्होंने यूज करी है भाई फैनटेक की तरफ से उनकी एंथो इवॉल्व कैबिनेट। अब ये जो कैबिनेट है ये वैसे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, लगभग 14-15 हज़ार रुपए के आसपास की कैबिनेट है, और ये जो कैबिनेट है सामने की तरफ से थोड़ी मतलब फ्रंट जो इसका पैनल है वो एकदम फ्लैट आता है, यहां पर कोई भी जो है मेश वगैरह देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल थोड़े बहुत हल्के फुल्के वेंट्स होते हैं इसके अंदर। सो आई एम अज्यूमिंग कि शायद हो सकता है इसका जो एयर फ्लो होगा वो ठीक ठाक वैसे मेंटेन हो जाता होगा, और सामने से क्योंकि फ्लैट आती है तो यहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी की थीम इस पीसी के अंदर बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि जो हमारे स्काउट भाई साहब है ये जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो इस पूरे ही पीसी को जो थीम दी है ना इन्होंने वो कॉल ऑफ ड्यूटी की दी है, तो वही जो इन्होंने कैबिनेट के अंदर पूरा जो है उसको मतलब कस्टमाइज कर दिया है, उसको जो है मॉडिफाई कर दिया है कि उसको जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाली थीम एक बना के दे दी है। वैसे इसके अंदर भाई कस्टम स्लीव्ड केबल्स का भी यूज करा गया है, जो कि आती है भाई सेंसाई मॉड्स की तरफ से, एंड सेंसाई मॉड्स की जो कस्टम स्लीव्ड केबल्स होती है ना भाई, इसकी क्वालिटी मैं आपको बस क्या ही बताऊं। ये जो मेरे पीछे मेरे सिस्टम रखा हुआ है ना, इसके अंदर भी मैं यार सेंसाई मॉड्स की तरफ से उनकी कस्टम स्लीव्ड केबल्स का यूज करता हूं। वाह, एकदम चुम्बेश्वरी लेवल की भाई इनकी कस्टम स्लीव्ड केबल्स होती है, क्वालिटी तो भाई बहुत ही कमाल की होती है, तो वही जो कस्टम स्लीव्ड केबल्स हैं वो जो है इनके पीसी के अंदर जो है यूज करी गई है। अब हम लोग जो है पेरिफेरल्स के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे स्काउट भाई हैं वो कौन कौन से जो है मॉनिटर यूज करते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह उनके क्या हैं। तो देखो, एक तो उन्होंने थोड़ा ढंग से नहीं बताया कि कौन कौन से एग्जैक्टली कौन कौन से मॉनिटर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो वो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप यहां पर यूज करते हैं अपने सेटअप के अंदर, जिसमें से जो दो मॉनिटर हैं वो सैमसंग के कर्व्ड मॉनिटर हैं, और एक मॉनिटर जो इन्होंने वर्टिकल लगा रखा है एंड एक मॉनिटर जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल लगा रखा है। जो वर्टिकल वाला जो उनका मॉनिटर है उसके ऊपर वो जो अपनी चैट जितनी भी होती है, जैसे कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, किसी ने सुपर चैट करा तो उसकी चैट वगैरह पढ़ने के लिए वो उस मॉनिटर का यूज करते हैं, एंड जो उनका हॉरिजॉन्टल वाला है उसके अंदर वो अपना OBS सेटअप करते हैं। जैसे भी अपनी स्ट्रीम वगैरह जो भी सेट करनी होती है वो हम OBS के अंदर करते हैं ना, तो वो सभी काम जो है वो उनका उस वाले मॉनिटर के ऊपर होता है। बाकी जो उनकी मेन प्राइमरी डिस्प्ले है जिसके ऊपर वो मेन गेमिंग करते हैं वो एक 240 Hz का गेमिंग कोई मॉनिटर है, तो 240 Hz वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव गेमिंग भी करते हैं ना, तो इसलिए जो है उन्होंने 240 Hz का जो है मॉनिटर वहां पर चूज करा है, जो कि उनको थोड़ा सा एक एज दे देता होगा कॉम्पिटेटिव गेमिंग के अंदर। वैसे एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि कौन सा मॉडल नेम है, कौन सा मॉनिटर है, बस इतना ही बताया कि वो 240 Hz का कोई सा गेमिंग मॉनिटर है। कीबोर्ड माउस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले हम लोग भाई माउस के बारे में बात करते हैं, तो माउस वो भाई अपने सेटअप के अंदर यूज कर रहे हैं रेजर का वाइपर अल्टीमेट वायरलेस गेमिंग माउस। भाई ये जो माउस है ना बहुत ही ओपी लेवल का माउस है सच में, ये हमारे जो है माइनर टेक्टिव्स भाई साहब भी यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि भाई बहुत कमाल माउस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बट भाई टोटली वर्थ इट है, बहुत ही चुम्बेश्वरी लेवल का गेमिंग माउस है सच में, और वायरलेस है तो भाई वायर का कोई भी झंझट नहीं होता, आप जो इसको आराम से कहीं पर भी रख के यूज़ कर सकते हो। अब इनके कीबोर्ड के बारे में बात करें तो ये तो नहीं बताया कि कौन सा कीबोर्ड है, बट वो कोई सा वाइट कलर का 60% कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो कि वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वाइट से कलर का, बट एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कौन सा है। वैसे तो कोई मैकेनिकल कीबोर्ड ही वो बोल रहे थे कि हाँ ऑब्वियसली मैकेनिकल कीबोर्ड ही होगा, बट वो एग्जैक्टली कौन सा है वो उन्होंने नहीं बताया, बाकी देखने में तो अच्छा ही लग रहा था। HyperX Cloud Stinger वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के भाई गेमिंग हेडफोन्स है, जो इसके अंदर से आपको साउंड वगैरह निकल के आती है। HyperX की क्वालिटी तो भाई आपको पता ही होगी, उसके ऊपर मेरे को ज्यादा कुछ कमेंट करने की भाई जरूरत यहां पर नहीं है। भाई मैं अगर आप लोगों से बात करूं भाई इनके माइक के बारे में, तो ये यूज करते हैं भाई ब्लू येटी, और ये जो ब्लू येटी माइक है आपको पता हो कि ये काफी ज्यादा एक पॉपुलर माइक है भाई स्ट्रीमर्स के बीच में, और मतलब काफी सारे स्ट्रीमर्स जो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत
अच्छी है। एंड मैं भी खुद यार पर्सनली सोच रहा था कि मैं एक ब्लू येटी परचेज कर लूँ, क्योंकि भाई जो इस माइक की क्वालिटी है ना सच में वो बहुत ज़्यादा जो है भाई उम्दा क्वालिटी है एकदम। अच्छा वेबकैम के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से, वैसे तो उन्होंने ये बोला था कि जिससे ये शूट हो रही है वही हमारा कैमरा है, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि वो जो अपनी स्ट्रीम्स के अंदर जो वो कैमरा यूज़ करते हैं एज अ वेबकैम, वो इनका भाई DSLR ही है, तो वो अपने DSLR को ही एज अ वेबकैम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो क्वालिटी जो उनको डेफिनेटली मिलती होगी वो किसी भी वेबकैम से तो काफ़ी बढ़िया ही होगी। ग्रीन सोल की गेमिंग चेयर को वो जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि और ग्रीन सोल की जो गेमिंग चेयर्स होती हैं उनकी क्वालिटी यार काफ़ी बढ़िया होती है। अब देखो भाई इनका जो पूरा सेटअप था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल था, एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और OP लेवल का सेटअप जो उन्होंने बना रखा है। एंड डेफिनेटली भाई इनके सेटअप के अंदर मेरे को यार कोई भी कमी महसूस यहाँ पर नहीं हुई। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भाई उनके सेटअप के अंदर मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं कोई तो कमी जो है यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँ, बट एज सच तो मेरे को वहाँ पर कोई भी कमी नहीं दिखी। बहुत ही उम्दे लेवल का और बहुत ही कमाल का जो है सेटअप उन्होंने बना रखा है। बाकी थोड़ा बहुत जो सेटअप होता है ना वो अपने हिसाब से भी थोड़ा सा जो है बंदा बनाता है कि भाई मैं किस तरीके से कंफर्टेबल हूँ यूज़ करने में, तो इसलिए हमको जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जो है किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी जो उनका सेटअप था वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, शेयर ज़रूर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।